जय हिंद साथियों, आपका अपने परिवार महाकौशल क्लासेस में स्वागत दोस्तों। और अगर आपने हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। शिक्षक भर्ती वर्तनी भर्ती प्रक्रिया का रोस्टर कल जारी हो चुका है। कल 31 अक्टूबर था, आज 1 नवंबर मध्य प्रदेश स्थापना दिवस है दोस्तों। सभी को पता है, आप सब लोगों ने देख लिया होगा किस प्रकार से ST SC OBC जनरल EWS की जो है पोस्टें आई हैं दोस्तों, जिला वाइज स्कूल शिक्षा विभाग का। अभी ट्राइबल का आना बाकी है, वो भी आज शाम तक या कल तक आ जाएगा दोस्तों। जिस प्रकार से अपने विसंगति देखे हैं कि किस प्रकार से जो है पोस्टों का बंटवारा किया गया है, हालांकि कई लोग जो है तरह तरह की बात बता रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि रोस्टर उसमें जो है विसंगति है, कुछ कह रहे हैं कि बैकलॉग के पद जुड़े हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, सब कुछ बढ़िया तरीके से सब कुछ हुआ है। तो चलिए, खैर इन चीज़ों से आप भी अवगत हो चुके होंगे। आज हम बात करेंगे कि वेटिंग लिस्ट जो होगी 25% की, या वेटिंग लिस्ट और ज़्यादा जो है बढ़ाई जाएगी। तो आपको मैं दिखाऊंगा, अभी कुछ दिन पहले, लगभग 1 महीना पहले स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशिका जो आई थी, निर्देश पुस्तिका, उसमें उन्होंने 25% का जो दोस्तों 25% आरक्षण बोल रहा हूँ, 25% की मेरिट जारी करेंगे। यानी अभी जो 100% यानी 18,000 जो पद हैं दोस्तों, उनका तो अभी आने ही आना है लिस्ट में नाम। और 18,000 के बाद जो आपके 25% का जो होगा उसकी भी लिस्ट दोस्तों आ जाएगी 8 दिसंबर को, जिससे ये हो पाएगा दोस्तों कि 8 दिसंबर को वेटिंग लिस्ट और मेरिट लिस्ट दोनों के डॉक्यूमेंट जो हैं अपलोड करवाए जा सकेंगे और उनका सत्यापन भी होगा दोस्तों। जैसे ही दोनों के सत्यापन हो जाएंगे, इसके बाद जो है फाइनलिस्ट सूची जारी की जाएगी उन लोगों का जिनका सिलेक्शन होना है, और जो वेटिंग लिस्ट होगी उनका बाद में होना दोस्तों। चलिए दिखाता हूँ मैं आप लोगों को किस तरीके से गवर्नमेंट ने इस चीज़ को यहाँ पर अपना जो है राजपत्र उसमें बताया है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, PDF शायद आपके पास भी होगी। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, चयन सूची जारी किए जाने की तारीख से 1 वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी। और यहाँ पे दोस्तों लिखा है प्रतीक्षा सूची, विषयवार रिक्त पदों के अधिकतम 25% पदों के लिए प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। प्रतीक्षा सूची जारी किए जाने की तारीख से 1 वर्ष की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेगी, किंतु शासन की अनुमति से यह अवधि 6 माह तक बढ़ाई जा सकेगी। यानी अभी जो 18,000 पदों के लिए एक लिस्ट आएगी, और इसका 25% दोस्तों, इसका 25% होता लगभग 4,000 दोस्तों, यानी 4,000 लोगों के नाम और आएंगे लिस्ट में। यानी टोटल देखें तो 22,500 लोगों का नाम आएगा दोस्तों लिस्ट में, जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं दोस्तों, 22,500। और जिसमें से 18,500 को ज्वाइनिंग दी जाएगी और 4,000 के नाम शेष रह जाएंगी प्रतीक्षा सूची में। क्यों? क्योंकि वर्ग 1 और 2 वाले अभी जो वर्ग 3 की नियोजन प्रक्रिया में भाग लेंगे, लेकिन जैसे उनका नाम DPI ट्रैवल वर्ग 1, 2 में आ जाएगा, वो वर्ग 3 स्वतः छोड़ जाएंगे दोस्तों। तो उन पदों की जो रिक्ति है वो जो है वेटिंग लिस्ट के द्वारा की जाएगी। तो लगभग 22,500 लोगों का नाम आने वाला है। अच्छा सर, ये जो 4,000 वेटिंग लिस्ट आएगी, किन लोगों का नाम होगा? ये भी इसमें जो होगा अपनी अपनी कैटेगरी वाइज वेटिंग तैयार की जाएगी। तो जैसे ST का कैटेगरी है, उस हिसाब से उसकी वेटिंग लिस्ट में अलग पद रहेंगे, OBC की अलग रहेंगे, जनरल के, है ना, OBC, EWS, ST, SC सभी जितने भी वर्ग हैं सबकी वेटिंग लिस्ट कैटेगरी वाइज अलग अलग होगी, लेकिन टोटल 4,000 होगा दोस्तों। यानी 18,000 लगभग इतने लोगों के लिस्ट में नाम आएगा। इन्हीं के दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे, पहले अपलोड कराया जाएगा, फिर सत्यापन किया जाएगा, और सत्यापन उपरांत फिर फाइनल सूची तैयार की जाएगी। जिनको ज्वाइनिंग देनी है, उन लोगों की चॉइस फिलिंग होने के बाद उन्हें ज्वाइनिंग स्वतः दे दी जाएगी। इसके बाद अगर कोई वर्ग 3 छोड़ करके वर्ग 1, 2 में ज्वाइन करता है, तो उन सीटों के लिए जो वेटिंग 25% 4,000 स्टूडेंट की तैयार की जाएगी, उनमें से सबसे ऊपर क्रम से जो टॉपर होंगे दोस्तों, उनको वेटिंग लिस्ट के रूप में ले लिया जाएगा फाइनली दोस्तों। तो ये रहेगा आपका वेटिंग लिस्ट का फंडा, जो कि 4,000 अभ्यर्थियों की लिस्ट जो होगी उसमें बनाई जाएगी। ये नियोजन प्रक्रिया आपने देखा होगा, 1 महीना पहले स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा ये जारी किया गया था मध्य प्रदेश शासन दोस्तों, 29 सितंबर 2022 इसी का जिक्र किया गया उसमें आदेश क्रमांक। तो कई लोगों को समझ में नहीं आता सर ये कौन सा आदेश है जो 29/9 के अनुसार तैयार किया जाएगा, तो यही है दोस्तों, यहाँ स्पष्ट लिखा है विषय प्राथमिक माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन की प्रक्रिया, और अंत में देखेंगे 25% जो है आपका मेरिट बनाया जाएगा वेटिंग का। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करना, अधिक से अधिक शेयर करेंगे। अगली खबर के साथ मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।